वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां पर पेट्रोल डीजल से भरा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। टैंकर ड्राइवर को अचानक से आया था हार्ट अटैक। ड्राइवर मानिक राव महिंद्रा की हार्ट अटैक से मौत। डिवाइडर में जाकर फंसा पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर। शहर के बीच बीच दुर्घटनाग्रस्त होने से टली एक बड़ी हानि। ऑटो चालक ने टैंकर ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शासकीय अस्पताल के सीएमओ ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही टैंकर है जो कि टकरा गया। वजह थी ड्राइवर को हार्ट अटैक आया डिवाइडर से जाकर, उसके बाद ये जो पूरा टैंकर है वो टकरा गया। पेट्रोल और डीजल से भरा हुआ था ये पूरा के पूरा ट्रक। जाहिर है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा, विस्फोट हो सकता था, पेट्रोल लीकेज हो सकती थी जिससे बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि डिवाइडर से जाकर टकरा कर रुक गया। ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था इस पूरे मसले पर। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं शाहिद इकबाल। शाहिद, जिस तरह से यहां पर अटैक आया उस ड्राइवर को और उसकी मृत्यु भी हो गई है, ये जो पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर था, जाहिर है कि बड़ी घटना हो सकती थी। कैसे ये घटना घटी, उसके बाद यहाँ पर किसी को चोट तो नहीं आई इस हादसे में? जी सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये खजान पुलिस स्टेशन से कुछ काम से निकला था और मैं वो इस रास्ते से जा रहा था, तो मैंने देखा है कि टैंकर आके डिवाइडर से टकराया। मैंने तुरंत गाड़ी खड़ा किया और जब इसका एक्सक्यूज लेने किया हो तो उस वक्त एक ऑटो वाले और कुछ लोग मिलके उस ड्राइवर को बाहर निकाल रहे थे, और बाहर निकालने के बाद उसको पूरा पिक्चराइज किया गया। और जब उन्होंने बाहर निकाला ड्राइवर को बाहर निकालने के बाद ऑटो में डाल के उसे दवाखाना अस्पताल रवाना किया गया। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जो टैंकर था, ये गायगांव से टैंकर में डीजल और पेट्रोल दोनों इसमें भर कर ही भातपुली की ओर जा रहा था अमरावती के, और ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो पुल है सिंधी कैंप से जाता है वहां पर ऊपर चढ़ रहा था, और वहां से उसको ट्रक के अंदर, टैंकर के अंदर ड्राइवर को शायद से अटैक आया, ऐसी जानकारी तो अस्पताल से मिली है। तो वो उसके बाद उसका नियंत्रण छूट गया और टैंकर पीछे रिवर्स होने लगा, लेकिन उसकी गनीमत रही कि तेजी कम होने की वजह से टैंकर ड्राइवर के बीचों बीच डिवाइडर के बीचों बीच चढ़ गया, और जिसकी वजह से वो जो वहां पर आसपास में रिहायशी मकान और शॉप थे, शॉपिंग मॉल थे, वहां नहीं जाकर टैंकर डिवाइडर के अंदर फंस गया, जिसके वजह से बड़ा अनर्थ टल गया। और अगर इस तरह ना होता और कहीं जाकर टकराता और कुछ विस्फोट होता, लीकेज होता, तो बड़ा अनर्थ हो सकता था और शायद से बड़ी जीवित हानि भी यहाँ पर हो सकती थी। बिल्कुल, क्या कोई लीकेज हुआ इस पेट्रोल डीजल का इस टैंकर से? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो इसमें किसी प्रकार का, हमने पूरा उसका मुआयना किया, किसी तरह का लीकेज तो इसमें नहीं हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद हम ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में डॉक्टर ने ड्राइवर को मृत घोषित किया। जो वहाँ के सीएमओ है रौनक राठौड़, उन्होंने उसे मृत घोषित किया, जिसके बाद खदान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहां पर पहुंची और यहां पर अभी आगे की जांच यहां पर खदान पुलिस कर रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और ये पूरा मामला जो है वो टैंकर जो कि पेट्रोल से भरा हुआ था, ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और जाकर टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि अगर भयंकर कोई एक्सीडेंट होता तो जाहिर है इस टैंकर में आग लग सकती थी, पेट्रोल बह सकता था, जिससे आसपास के इलाकों में भी बड़ी घटना घट सकती थी।